Dear friend, in previous video of computer network, we learned about the computer networks, advantages of computer networks. I also learned about components of network, types of networks, and network topology. In this topology, we learned about bus topology. So now we are going to learn about the ring topology, second topology, that is. So it is a local area LAN it is a local area network means ring topology kya hai LAN topology ke upar work karta hai that is a local area network whose topology is a type of ring topology jiska topology kya hota hai ring ke jaisa hota hai matlab connection kaise hota hai चारों ओर से एक सर्कल के तरीके से चारों ओर से सिस्टम्स इसमें कनेक्टेड होते हैं इट इज कॉल्ड रिंग टोपोलॉजी बिकॉज इट फॉर्म्स अ रिंग एज ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू ओनली टू नेबरिंग कंप्यूटर टचिंग केबल्स इसका मतलब यह है कि यह कंप्यूटर्स को आपस में एक रिंग के शेप में कनेक्ट करता है जिसकी वजह से दो कंप्यूटर आपस में एक नियर बाई कंप्यूटर के तरीके से कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के नियर बाई कंप्यूटर के रूप में द लास्ट कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट लास्ट कंप्यूटर जो है वो कनेक्टेड किससे होता है इसमें फर्स्ट से अ कंप्यूटर रिसीव डेटा फ्रॉम वन नाइबरिंग कंप्यूटर एंड ट्रांसमिट इट टू द नेक्स्ट कंप्यूटर अब एक एग्जाम्पल के तरीके से मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे लास्ट कंप्यूटर फर्स्ट कंप्यूटर से कनेक्ट होता है जैसे हम मानते हैं कि यहाँ से कनेक्शन स्टार्ट हुआ ओके तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंप्यूटर ठीक है और ये सारे कंप्यूटर्स इधर से कनेक्ट होते गए ठीक है अब इस कनेक्शन के प्रोसेस में दिस वन इज लास्ट कंप्यूटर ठीक है तो ये कंप्यूटर यहाँ से किससे कनेक्ट हो रहा है फर्स्ट कंप्यूटर से मतलब क्या है लास्ट कंप्यूटर किससे कनेक्ट होता है फर्स्ट कंप्यूटर से ठीक है एक सर्कल में अब उसके बाद ये कह रहा है अ कंप्यूटर रिसीव डेटा फ्रॉम वन रिंग कंप्यूटर्स मतलब एक कंप्यूटर जो है वो डेटा कहाँ से रिसीव करता है अपने नियर बाई कंप्यूटर से ठीक है तो ये कंप्यूटर जो है ये किससे डेटा एक्सेप्ट करेगा ये डेटा कलेक्ट करेगा इस नियर बाई कंप्यूटर से और ये कंप्यूटर इस नियर बाई कंप्यूटर से इसी तरीके से इस सर्कल में यूज होने वाले सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से डेटा ट्रांसमिट करते हैं एडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी अब इसका एडवांटेज क्या है इट इज चीप टू इंस्टॉल एंड एक्सपेंड यह सस्ता होता है ठीक है इंस्टॉल करने के लिए और यूज करने के लिए एक्सपेंड करने के लिए ट्रांसमिटिंग नेटवर्क is not affected by high traffic इसमें क्या होता है डेटा ट्रांसफरिंग जो रेट है वो हाई होने के बाद भी इसमें नेटवर्क अफेक्टेड नहीं होता है रीज़न क्या है क्योंकि नियर बाई कंप्यूटर से आपस में डेटा शेयरिंग होती है जिसकी वजह से इसका डिस्टेंस कम होता है और डेटा ईजिली ट्रांसमिट हो जाता है और बाई एडिंग मोर नोट्स और ज़्यादा नोट्स ऐड करने के बाद भी ट्रैफिक पर असर नहीं पड़ता है As only the nodes having tokens can transmit data, क्योंकि इसमें nodes जो हैं वही data को transmit करते हैं Nodes क्या हो गए ये जो connections हैं हमारे ठीक है तो जितने जगह पर इसमें connections बन रहे हैं अब ये क्या है यही आपस में data को transfer करते हैं अब disadvantage of ring topology, troubleshooting is difficult इन रिंग टोपोलॉजी अब इसमें ट्रैवल शूटिंग डिफ़िकल्ट होता है अगर इसमें कहीं प्रॉब्लम आ गया तो उसको समझना और चेक करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है एडिंग और डिलीटिंग द कंप्यूटर डिस्टर्ब्स द नेटवर्क एक्टिविटी अब हम अगर इसमें कोई कंप्यूटर ऐड करते हैं या डिलीट करते हैं तो यह डिस्टर्ब करता है नेटवर्क की एक्टिविटी को मतलब डेटा ट्रांसमिशन को डिस्टर्ब कर सकता है अगर मान लीजिए कि ये कंप्यूटर यहाँ पर लगा हुआ है ठीक है इस कंप्यूटर को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ तो ये कंप्यूटर इधर भी डेटा दे रहा है इधर दे रहा है इधर से ले भी रहा है और इधर से भी ले रहा है अगर मैं इसको निकाल देता हूँ तो ये क्या है इस
से ये कंप्यूटर इधर डेटा दे रहा है, ये कंप्यूटर इधर डेटा दे रहा है, अगर इस सिस्टम को मैं हटा देता हूँ तो इसको डेटा मिलना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका ट्रांसमिशन काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होगा, ठीक है, और ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच में बढ़ेगी, फिर इसको ट्रांसमिशन करने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है। फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर डिस्टर्ब्स द होल नेटवर्क। अब अगर एक कंप्यूटर डिस्टर्ब हो जाता है तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है, बिकॉज़ ये कनेक्टिविटी डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से अगर ये डिस्टर्ब हुआ, ये हट गया, तो इसे डेटा नहीं मिल रहा है, ये फिर आगे डेटा ट्रांसमिट कर नहीं पाएगा, ठीक है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं रह पाता है सिस्टम्स। नेक्स्ट वन इज़ अ स्टार टोपोलॉजी। इन अ स्टार टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सेंट्रल सिस्टम। इसमें क्या होता है कि सारे कंप्यूटर जो हैं एक सेंट्रल सिस्टम से, सेंट्रल डिवाइस जिसको हम हब बोलते हैं, उससे कनेक्टेड होता है, विच इज नोन एज हब, जिसको हम हब बोलते हैं। कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू द हब थ्रू केबल विच एक्सटेंड इन ऑल डायरेक्शंस। कनेक्टेड होता है कंप्यूटर हब से किसके थ्रू, केबल्स के थ्रू, हर एक डायरेक्शंस में। हब्स फॉरवर्ड डेटा टूवर्ड्स इट्स फाइनल डिस्टिनेशन, और हब्स क्या करता है, डेटा को फॉरवर्ड करता है टू इट्स फाइनल डिस्टिनेशन, मतलब जहाँ उसकी ज़रूरत है, फाइनल लोकेशन तक। एडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी, इट हैज़ मिनिमल लाइन कॉस्ट। इसके पास कॉस्ट क्या होता है, मिनिमल होता है, मतलब उससे थोड़ा सा अधिक होता है प्रीवियस से। इफ़ वन लाइन फेल्स, इसमें एक लाइन फेल हो जाता है, ओनली दैट लाइन इज अफेक्टेड। अगर इसमें सिर्फ ए लाइन मान लीजिए कि फेल हो गया वर्क स्टेशन, ठीक है, ये वर्क स्टेशन फेल हो गया, तो सिर्फ यही लाइन अफेक्टेड होगा, बाकी और किसी सिस्टम को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो एज इट इज हब से डेटा लेगा, ट्रांसफ़र करेगा और एक दूसरे में ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है, यहाँ से डेटा हब को देगा, हब इसको ट्रांसफ़र करेगा, फिर ये रिक्वेस्ट करेगा इसको, ये डेटा यहाँ आएगा और यहाँ से इसको मिलेगा, ये अगर अफेक्टेड हो जाता है तो इससे अदर सिस्टम को कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। डिस एडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी, द सिस्टम क्रूशली डिपेंडेंट ऑन द स्विच। अब देखिए इसमें क्या है, सिस्टम जो है वो टोटली डिपेंड किस पे होता है, स्विच पे, यानी हब पे, ठीक है, और हब इफ इट फेल, अगर हब फेल हो गया इन केस द इंटायर नेटवर्क गोज डाउन, तो पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। अब पढ़ते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में। नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी से आप क्या समझते हैं, मतलब वह नेटवर्क जिसमें हमारे सारे कंप्यूटर और डिवाइसेस, डेटा ट्रांसमिशन की डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं, तो उसमें सिक्योरिटी की क्या रिक्वायरमेंट है। सिक्योरिटी की इसलिए रिक्वायरमेंट है कि कई बार हम अपने पर्सनल डेटा को शेयर करते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि कोई और पर्सन उस डेटा को रीड करे, सिर्फ वही पर्सन रीड कर सकता है जिस पर्सन को हम वो डेटा शेयर कर रहे हैं, इसलिए हमें ज़रूरत होती है उस नेटवर्क के बीच में सिक्योरिटी की। नेटवर्क सिक्योरिटी मीन्स टू प्रोटेक्ट द डेटा बाई फॉलोइंग रूल्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस। मतलब वही बात हो गई कि नेटवर्क सिक्योरिटी का मीन्स है प्रोटेक्ट द डेटा, डेटा को प्रोटेक्ट करना बाय फॉलोइंग रूल्स, कुछ नियम के हिसाब से, टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस। मतलब अनऑथराइज एक्सेस हम उसको बोलते हैं कि जिसको हमने परमिशन नहीं दिया है, जैसे जिसको हम डेटा नहीं देना चाहते हैं, जिसको हम इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करना चाहते हैं, वह हमारी इंफॉर्मेशन को किसी भी तरीके से नहीं देख सके। अब एक एग्जाम्पल के तरीके से मैं देखूँ तो जैसे अभी हम सोशल मीडिया को यूज करते हैं, जैसे फेसबुक यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, बहुत सारे अकाउंट्स यूज करते हैं, उसमें हमारी कुछ प्राइवेसी सेटिंग होती है, नंबर हाइड करने का, या अपनी मेल आईडी हाइड करने का, या अपने फ्रेंड्स हाइड करने का, तो हम क्या करते हैं उसको हाइड्स कर देते हैं, तो हम जिसको चाहते हैं वही शो, उसी को शो करता है, अगर हम नहीं चाहते हैं तो नेक्स्ट पर्सन को नहीं दिखना चाहिए, और किसी भी कंडीशन में नेक्स्ट पर्सन उसको नहीं देख सकता है, और इन केस अगर वो बाई हैकिंग या किसी तरीके से क्रैक करता है उस सिक्योरिटी को और चेक करता है, देखता है हमारी डिटेल को, तो इसे एक साइबर सिक्योरिटी क्राइम के तहत
पनिशमेंट भी दिया जाता है, ठीक है। मिसयूजेस, कोई मिसयूज ना करे इसके लिए नेटवर्क सिक्योरिटी की यूज होती है। मॉडिफिकेशन ऑफ नेटवर्क एक्सेसिबल डेटा एंड रिसोर्सेज, किस तरीके कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं नेटवर्क और डेटा को एक्सेस करने में, डेटा एक्सेसिबिलिटी को। इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। अब ये कैसे कंट्रोल होता है, नेटवर्क के एडमिनिस्ट्रेटर से, मतलब जिस नेटवर्क को हम यूज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप हम यूज कर रहे हैं, तो हम किसका नेटवर्क यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप पे हमारे जो लोग कनेक्टेड हैं वो किसका नेटवर्क है, व्हाट्सएप का नेटवर्क है। जिसका अकाउंट व्हाट्सएप पे है हम उसी से बात कर सकते हैं। तो उस व्हाट्सएप को स्टार्ट करने वाले जो हैं उसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जिसके पास पूरा ऑथराइजेशन है, जिसने व्हाट्सएप को स्टार्ट किया, जिसने व्हाट्सएप को लॉन्च किया, वह क्या करता है, इस सिक्योरिटी को प्रोवाइड करता है। और वो पूरा फोकस करता है कि किसी भी पर्सन का डेटा किसी भी पर्सन के थ्रू मिसयूज ना किया जाए। नेटवर्क्स आर ऑफ टू टाइप, नेटवर्क्स दो तरीके के होते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक। नेटवर्क दो तरीके के होते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक। जैसे हम कई बार सोचते हैं कुछ चीज़ें हमारी होती है जो कि हम प्राइवेट रखना चाहते हैं और कुछ चीज़ें हम पब्लिकली रखना चाहते हैं। जैसे अभी टिकटॉक वगैरह है तो हम उसमें वीडियोज़ को पब्लिकली रखते हैं ताकि जितना ज़्यादा लोग देखेंगे उतने हमारे फ़ैन फॉलोअर्स होंगे। अब अगर हम बात करें कि इंस्टा हो गया, लिंक्डइन हो गया और आपका फेसबुक हो गया, तो फेसबुक पे हम बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट रखते हैं। जैसे कुछ फ़ोटोज हैं जो कि हम प्राइवेट रखना चाहते हैं, सिर्फ हम देखें, या हम जिसको शेयर करना चाहते हैं सिर्फ वो देखें, ठीक है। तो इस तरीके से प्राइवेट नेटवर्क कैन बी यूज्ड विद इन एन ऑफिस। प्राइवेट नेटवर्क ज़्यादातर यूज होता है किसी एक ऑफिस पर्पस के लिए या सेल्फ के लिए। पब्लिक नेटवर्क कैन बी एक्सेस बाय एवरीवन। और पब्लिक नेटवर्क क्या है, कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी देख सकता है आप उसके थ्रू जो भी काम कर रहे हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, दो तरीके की नेटवर्क सिक्योरिटी होती है। लॉगिन सिक्योरिटी, मतलब आप कहीं भी इंटर कर रहे हैं, आपकी एक पर्सनल आईडी पासवर्ड है जिसके थ्रू आप लॉगिन कर रहे हैं उस जगह पर। इसे लॉगिन सिक्योरिटी को हम समझ सकते हैं कि किसी घर में अगर हमें जाना है तो उस घर का गेट बंद है और डोर पे ताला लगा हुआ है, अगर आपके पास की है तो ही आप उस घर में जा सकते हैं और ये आइडेंटिफाई करता है कि घर आपका है। दिस कैन बी अचीव्ड बाई असाइनिंग अ यूनिक लॉगिन नेम एंड सीक्रेट पासवर्ड, जिसको कि असाइन किया जाता है लॉगिन सिक्योरिटी में एक सीक्रेट यूनिक कोड और पासवर्ड। यूजर्स आर असाइन द आईडी एंड पासवर्ड ऑन अदर ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन दैट परमिट्स देम। अब यूजर क्या करता है, उस आईडी और पासवर्ड को यूज करता है और उसे जो जो काम करने की परमिशन दी गई है वह काम कर सकता है। द एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम्स इन अ नेटवर्क, और वह उसकी मदद से जो जो परमिशन दिया गया है उसके हिसाब से वह इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है और अपने प्रोग्राम को कर सकता है, जो काम वह करना चाहता है जिसकी परमिशन है उसके पास नेटवर्क के ऊपर। और एक नेटवर्क में राइट सिक्योरिटी, दिस कैन बी अचीव्ड बाई गिविंग राइट्स लाइक रीड ओनली एक्सेस। यह एक तरीके का राइट है। राइट्स का मतलब, जैसे व्हाट्सएप वालों ने हम लोगों को राइट दिया है कि हम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन हम अगर इसका मिसयूज करते हैं तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, जिसको हम इस पर यूज़ नहीं कर सकते। बहुत सारे काम हैं जिसको हम नहीं कर सकते इस पर। रीड राइट एक्सेस और नो एक्सेस एट ऑल, इसमें कंट्रोल्स होते हैं राइट सिक्योरिटी में, कि आपके पास कंट्रोल रहेगा कि कौन रीड कर सकता है, कौन राइट कर सकता है। जैसे अभी मैं बात करूं कि व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाने का प्रोसेस है जिसमें सिर्फ एडमिन ही बोल सकता है, बाकी लोगों को उसमें टाइपिंग की अलाउड नहीं होती है। तो आप सिर्फ एडमिन के थ्रू सेंड किया हुआ मैसेज देख सकते हैं लेकिन रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं टू अ यूज़र। इन रीड ओनली एक्सेस, जो कि मैंने अभी बताया कि सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, तो आपको सिर्फ रीड करने का ऑप्शन मिलेगा। द यूज़र कैन ओनली रीड द इंफॉर्मेशन अबाउट
कैन नॉट चेंज और डिलीट इट। यूजर सिर्फ उसमें क्या कर सकता है, इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकता है, ना उसको चेंज कर सकता है, ना डिलीट कर सकता है, और ना ही अपनी कोई बात उसमें रख सकता है या कुछ कर सकता है। इन रीड राइट एक्सेस, रीड राइट एक्सेस के अंदर क्या होता है, द यूज़र कैन रीड, यूजर रीड कर सकता है, मतलब नॉर्मल जैसे हम व्हाट्सएप को यूज करते हैं, हम रीड करते हैं किसी के मैसेज को, और क्या करते हैं, चेंज और डिलीट द इंफॉर्मेशन, उसमें से हम इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। नो एक्सेस मीन्स द यूज़र इज़ नॉट इवन अलाउड टू रीड द इंफॉर्मेशन, और उसमें हम क्या कर सकते हैं, चेंज करने का मतलब कि हम उसमें कुछ टाइप कर सकते हैं, उसको भेज सकते हैं, हम उसको रिप्लाई कर सकते हैं, रीड करने के बाद हम उसको राइट भी कर सकते हैं। और एक और राइट्स होता है नो एक्सेस, नो एक्सेस का मीन्स क्या होता है, द यूज़र इज़ नॉट इवन अलाउड टू रीड द इंफॉर्मेशन, तो उसमें यूज़र्स को परमिशन नहीं होता है उस पर्टिकुलर चीज़ को रीड भी करने का, मतलब उस यूज़र को वो चीज़ें दिखेंगी ही नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, और आप इसकी जो टास्क हैं, क्वेश्चंस हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तो मुझे कॉन्टेक्ट करें और कमेंट करें, अगर कुछ समझ में ना आया हो तो। थैंक यू।